सोचो ये बोलते 400 किलोमीटर जाएंगे, मैं तो चिड़ चिड़ के मर जाऊंगी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं MM फन सिटी। अब देख पूरा चलान वान कटा है भाई। हे गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जाने वाले हैं MM फन सिटी, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग की प्लानिंग थी। तो हम लोग तीन लोग जा रहे हैं, राहुल, मैं, प्रेरणा, और वहां पे चल के देखते हैं किस प्रकार का माहौल है, ओपन है कि नहीं है, और कितना ज्यादा क्राउड आई हुई वो भी देखेंगे और आपको भी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आज हम लोग जा रहे हैं वाटर वर्ल्ड फन सिटी रायपुर। तभी मैं चल रहा हूँ नेहरू नगर, क्योंकि वहाँ से पिक करना है प्रेरणा को। उसके बाद फिर आगे हम लोग जाएंगे, फिर राहुल मिलेगा। मैं, राहुल और प्रेरणा तीनों लोग जा रहे हैं फन सिटी एंजॉय करने, आप लोग के लिए ब्लॉग बनाने की अभी वहाँ क्या क्या गाइडलाइन रखी गई है और टिकट चार्जेस क्या क्या हैं। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट प्रेरणा से। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से जाऊँ, ओवर ब्रिज से जाऊँ कि अंडर ब्रिज से, कन्फ्यूज हूँ। अंडर ब्रिज से चलता सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो मॉल के पास जाना है। उधर से भी जा सकते हैं गुरुद्वारा होते हुए भी, तो ये ठीक रहेगा, यहीं से चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल के पास और यहीं पे कहीं हमारा प्रेरणा वेट कर रही है, तो देखते हैं कहाँ पे खड़ी है, कहीं पे दिखी जाएगी। वो नहीं दिख रही है, अच्छा ये है, ये खड़ी है मैडम जी। बोल भाई घर में अचानक कुछ काम कर रहे थे तो उनको फोन का पता नहीं चला था, तो उनके घर गए, उनको लेके चल रहे। ये देखो ड्राइव करते हुए जा रहे साहब जी आगे अपनी 220 में जानू। हाँ, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कभी भी आओ यहाँ पे रहते ही थे पावर हाउस में। और मेरे को नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, जब से मैं गरियाबंद से आया हूँ वापसी में सबसे खटखट कुछ आवाज़ आ रहा है सामने से वाइजर से, तो मेरे को दिखाना पड़ेगा। टाइमिंग हो रहा है अभी 11:30, और सबसे खासियत यह है कि आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उतना धूप का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा हम लोग को। पता नहीं आज सुबह से क्या हो गया कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जो भाई लोग बाइक वाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो बाइक वालों से हाथ जोड़ के बिंदी है, कृपया यार हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। और जो फोर व्हीलर चलाते हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया सील बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि क्या मालूम कहाँ पे क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो सील बेल्ट आप बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाता है, और हेलमेट भी आपका बहुत बड़े दुर्घटना से बचाता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, अच्छा स्टैंडर्ड कंपनी का मतलब 1500-2000 का एक हेलमेट यूज करिया करो, जैसे भाई साहब यूज कर रहे हैं, लोकल कंपनी है पर अच्छा स्टैंडर्ड वाला यूज करो, थोड़ा अच्छा रहता है। मैडम भी बिना हेलमेट के गाड़ी चला रही हैं, फुल स्पीड में 70 की स्पीड में गाड़ी चला रही हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं कुहारी ओवर ब्रिज, तो देखते हैं यहाँ पे चेकिंग वुकिंग तो नहीं चल रही भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे चेकिंग चलती है और पुलिस वाले सबसे ज़्यादा रोकते भी हैं। भीड़ तो लग रही है भाई यहाँ पे, और आगे देखा जाए क्या होता है, क्या होता है। ये देखो पूरा चलान वान कटा है भाई। पूरी तरह से अभी तक ये ओवर ब्रिज कम्प्लीट नहीं हुआ, वन वे चालू है, टू वे नहीं चालू। अब टू वे कब चालू होगा पता नहीं भाई, पर नाइट में थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो मेरे कैमरे में पता नहीं क्या होगा, फिर से प्रॉब्लम चल रहा है, कभी ऑन हो जाता है कभी ऑफ हो जाता है। देन ये रहा आपका टाटीबंद चौक, जो कि यहाँ तो भाई स्पेशल वाला नज़ारा रहता है, आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं, एक नंबर मेकअप हो जाता है यहाँ पे, रहता है। जाते समय कम रहता है, आते समय बहुत ज़्यादा होता है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस यहाँ खड़ी है चेकिंग वुकिंग में, अभी यहाँ पे पूरा काम चल ही रहा है भाई। देन
ओवर ब्रिज का। अब देखो ये कब तक कंप्लीट होता है पता नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा नीचे का जो ये ट्रैफिक है कम हो जाएगा और थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा। अब कितने साल लगते हैं पता नहीं यहाँ के इस लोकेशन को कंप्लीट होने में। ए भाई साहब बहुत धमकी दे रहे हैं, पता नहीं किसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। वाटर वर्ल्ड फन सिटी, अब देखते हैं वहाँ पे चल के कितना ज़्यादा क्राउड है, जो कि आज संडे का डे है। ओहो गांव की गोरी, ऐसा बस में लिखा हुआ है भाई। अच्छे अच्छे मैसेज लिखे जाते हैं बस के पीछे, बस हो गया, ट्रक हो गया, मतलब कुछ यूनिक टाइप का सेंटेंस लिख देते हैं लोग। ये देखो इधर भी, ये भाई साहब ट्रिपल सवारी चल रहे हैं, पकड़ में हेलमेट तो लगाए हैं। और इधर भी ये देखो क्या बात है, बधाई हो, तरक्की पे है अपना रायपुर भाई, भयंकर तरक्की पे है, उन्नति में है। और ऐसे लोग आते कहाँ से भाई, अरे भाई ये देखो एक नहीं दो नहीं चार चार लोग टंकी के ऊपर सीट के ऊपर तीन तीन लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को डर भी नहीं लगता कि एक्सीडेंट होगा तो कैसे करेंगे। हम सबका है सपना स्वच्छ हो भारत अपना। अरे वाह संतोषी नगर 3 किलोमीटर, एयरपोर्ट 16 किलोमीटर, अभी फिलहाल सीधे चलते हैं। और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वाटर वर्ल्ड, अभी तक मैं गया नहीं था, और इस बार सभी वाटर वर्ल्ड हम लोग कवर करने वाले हैं जितने भी 100-200 किलोमीटर की रेंज में हैं फिलहाल। तो गाइस यहाँ से आप लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो सिटी के लिए आप जा सकते हैं, हम लोग को सिटी के लिए तो जाना नहीं है, हमको सीधा ही जाना है औरंगाबादी रोड में। और बच्चे को देखो भाई हमको देख रहे। तो गाइस ये रहा मैग्नेटो मॉल रायपुर का, सबसे पहले कैप्सी यही खुला था, सिटी मॉल है लेफ्ट साइड में जो कि पूरा ख़त्म हो चुका है, कोई ज़्यादा दुकानें नहीं है, कोई पब्लिक नहीं आती, बिग बाज़ार है और शायद डी मार्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे, और थोड़ा बहुत शोरूम है। अब कि आरंग के पास ही पड़ता है MM फन सिटी, तो अभी फ़िलहाल हम इसी रूट से कंटिन्यू कर रहे हैं। और फोटो में देखिए हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है नया रायपुर साइड में, सबसे ज़्यादा ये अच्छी चीज़ है, कम से कम पता तो चलता है गलत एक्टिविटी का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा रोडों में। अब बिलासपुर जाना चाहते हैं तो जाने का रास्ता है, तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आप बिलासपुर जा सकते हैं जो कि आगे बोर्ड में लगा हुआ मेंशन है। तो लेफ्ट साइड में आप मुड़ेंगे तो आप बिलासपुर जा सकते हैं, सरायपाली सीधा जाने का रास्ता है, टोल गेट 500 मीटर की दूरी में। अच्छा यहाँ का टोल चालू हो गया, जब हम लोग आए थे तो उस टाइम ये टोल चालू नहीं था, अभी फाइनली टोल चालू हो चुका है वाला। एक दो साल पहले आया था मैं इस वाली रूट में तो उस टाइम टोल नहीं चालू था। महासमुद खल्लारी माता मंदिर और चंडी माता मंदिर का वीडियो बनाने, गाइस यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है तो यहीं से लेफ्ट ले लेते हैं, अपने को हाईवे नहीं जाना है। अब देखिए मैडम जी पीछे बैठ के हमको गूगल मैप के थ्रू बता दिए हैं, तो यहाँ पे बोर्ड में मेंशन है नावा गांव, शिव मंदिर, गोठी, क्या क्या चनखुरी। कुछ खाना है क्या है, राहुल कहाँ है पूछ लो, उससे पूछता हूँ, वो खाए नहीं है ना। हाँ कुछ खाना है क्या, यहाँ खाना है कुछ, क्या खाओगे? बढ़िया है, कभी भी पूछो इनको खा लेते हैं। वो तो रहते ही है, क्या हालत बैंड हो रहा है गर्मी, सोचो ये बोलते 400 किलोमीटर जाएंगे, मैं तो चिड़ चिड़ के मर जाऊंगी, या तो इनको क्या बोले। हाँ अच्छा अच्छा चौहान वाला, हाँ वो तो बंद कर दिया ना, बहुत पुराना हो गया उसका, बहुत पहले हम लोग गए थे इसके में। यही रूट जाती है MM फन सिटी के लिए, तो
हम लोग अभी फिलहाल चल ही रहे हैं और मेरे को याद नहीं था मेरे GoPro का मेमोरी भी ख़त्म होने वाला है, तो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। अरे वाह क्या बात है, एक नंबर नज़ारे भाई। रह तो गाइस यहाँ पे हर खम्भे जो बिल्ले के खम्भे हैं उसमें लिखा हुआ है MM फन सिटी जाने का रास्ता, तो ये है MM फन सिटी। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और ये जाने का रास्ता है यहाँ से, ये तो है। तो हम लोग शायद रॉन्ग साइड से आ गए हैं क्या? हाँ रास्ता वो उधर से था, वो रोड थी एक गई थी ना। हाँ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं MM फन सिटी। अब देखते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है अभी तो कोई खास। अरे वाह ऊपर सब खड़े हैं भाई, नहा रहे हैं, अब अंदर की ओर चलते हैं। अरे वाह यहाँ पे आए पब्लिक लोग, बाइक किधर लगा इधर लगाते तो बोला उसने। क्या